अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खरीस होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी आज है ब्लॉग मेरा जो है, घर पे थी एक छोटी सी दावत, तो उसकी जो मैंने तैयारी की थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या कुछ बनाया था और किस तरह बनाया था रेसिपी। तो ये सब रेसिपियाँ जो हैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, सेवन किंग व्लॉग पे आपको ये सारी रेसिपियाँ मिल जाएंगी। और जैसा कि घर पे अगर आपको पता है दावत हो तो सब कुछ जो है पहले से करके रखना पड़ता है। तो ये मैं जो है सुबह जल्दी में ही लग गई थी, दावत जो थी वो शाम की थी, तो मुझे बनानी थी मैगरूनी, उनके लिए जो है मैंने सब्जियां वगैरह सारी जो है कट करके रख ली थी, सब्जियां कट कर ली थी, साथ जो गोश्त वगैरह था चिकन वो सब जो है मैंने धो के पहले से रख लिया था। यहाँ बिरयानी मैंने बनानी थी तो उसके लिए जो है मैंने प्याज डाल के गोश्त उबाल लिया था। बिरयानी की रेसिपी भी आपको मेरे सेवन किंग व्लॉग चैनल पे मिल जाएगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ जो है मैंने सेला चावल से जो है बिरयानी बनाई थी, ये ज़रा अच्छी बनती है, सेला चावल की बिरयानी जो है ज़रा अच्छी बनती है। तो यहाँ जो है जो जो चीज़ें चाहिए थी, बर्तन वगैरह दस्तरखान ये जो है सब कुछ निकाल के रख लिया था। और मैंने बनाना था कीमा, तो कीमे के लिए जो है मैंने यहाँ गोश्त साफ़ करके साथ प्याज हरी मिर्च अदरक लहसुन जो है वो मैंने काट के रख लिया था कि इसको साथ ही कीमा बना के और इसमें साथ ही जो है मैं पीस लूँगी। बिरयानी जो है मैंने बनाई थी पैकेट वाले मसाले से, कुछ थोड़ा घर का खड़ा मसाला भी डाला था, वैसे जो है ये मैंने पैकेट वाले मसाले से बनाई थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ कोरमा, और कोरमे की रेसिपी भी आपको जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और साथ मैंने जो है यहाँ कोरमा बनाना भी शुरू कर दिया था, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सब चीज़ें बन के तैयार हो जाएं। प्याज ब्राउन करके मैंने अलग निकाल लिया था और उसको जो है मैंने दही के साथ पीस लिया था, और पिसा हुआ लहसुन अदरक भी ख़त्म हो चुका था, वो भी जो है मैंने छील के साथ ही जो है उसको भी पीस के रख लिया था। यहाँ कोरमा जो है बिल्कुल तैयार होने पर है, साथ ही कोरमे के बाद जो है मैंने बना लिया था कीमा। कीमे की जो है ये रेसिपी मैं इंशाल्लाह आगे जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत मज़ेदार बना था कीमा। और मैकरोनी की तैयारी अब शुरू हो गई है, तो साथ ही जो है इसमें बन रहे हैं चावल। चावल मैंने अलग से उबाल लिए थे, मैकरोनी भी मैंने साथ ही उबाल के अलग रख ली थी। आप भी अगर दावत करें तो आप जो है अपनी जो तैयारी है सब्जी कटिंग की, प्याज वगैरह लहसुन अदरक की आप जो है पहले से करके रख लें तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है। आखिर में जो है मैंने बिरयानी बनाई थी कि ये थोड़ी जो है दम पे लगा दी थी ताकि ये गर्म रहे। रायता भी बना लिया था, सलाद का सामान जो है ये भी मैंने जो है काट के रख लिया था। तो यहाँ प्लेटेड जो है तैयार हो गई थी, और अब जो है मैं आपको जो है फाइनल जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी उनकी फाइनल लुक जो है आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने बना लिया था कीमा जो है तैयार हो गया था, साथ ही जो है कोरमा भी मैंने तैयार कर लिया था। इसमें मैंने बना ली थी मैकरोनी, चिकन मैकरोनी बनाई थी वेजिटेबल के साथ, और चिकन वेजिटेबल के साथ बना ली थी मैंने मैकरोनी। और यहाँ जो है मैंने बिरयानी को दम लगा लिया था,
यहाँ इसको मैं कर लूँगी मिक्स, क्योंकि इसको जो है मैंने अब डिश आउट करना था। तो बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी माशाल्लाह से। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और दावत पे जो है इस तरह की तैयारी आप करके पहले से रख लें तो बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर कर लेती हूँ, अपने घर की छोटी सी दावत। मैंने सेवइयाँ बनाई थी दूध वाली, और जो है पहले मैंने बना के रख ली थी, और दूध पहले जो बना ली थी तो ये गाढ़ी हो गई थी, फिर मैंने जब इनको सर्व करने लगी तो इनमें फिर मैंने ठंडा दूध जो है वो दोबारा डाल दिया था। तो मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।